सब्जेक्ट लेसन इन फंक्शन का लास्ट कंटेंट दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, अभी हम अभी तक हम जितना भी कर रहे थे हम वहाँ पे एक एक ही फंक्शन ले रहे थे, यहाँ पे हम दो फंक्शन एट ए टाइम लेंगे। ठीक है, और उनके अंदर का जो कॉम्पोजिट होगा उसको कॉम्पोजिट फंक्शन भी बोलते हैं और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। तो यहाँ पे और एक बात क्या है, ये वाला ए टू बी को जा रहा है और अभी ये बी से सी को जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए टू बी के लिए मैं एफ को डिफाइन किया, बी टू सी के लिए जी को डिफाइन किया। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जब टू एक्स वन तब मैंने यहाँ पे वन टू थ्री पर पुट किया था, तो ये क्या हो गया टू फोर सिक्स सी, और जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस फाइव मतलब अभी ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। तो ये दोनों सेट के लिए ये था डोमेन, ये था रेंज। ठीक है, अभी ये दोनों के लिए ये हो गया डोमेन, ये हो गया हमारा क्या रेंज, जैसे डिफाइन किया गया है। ये एग्जाम्पल था, तो कॉन्सेप्ट क्या है ना, यहाँ पे लिखा है इफ ए एफ इज अ सेट फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज अ सेट फ्रॉम बी टू सी फंक्शन, सॉरी एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, देन उसका जो कंपोजिशन फंक्शन क्या लिखते हैं, जी ओ एफ गॉफ फ्रॉम वो चला जाएगा ए टू डायरेक्टली सी को, डिफाइंड बाय जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओ जो लिखा है वो ऑफ के लिए, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक चला जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने तीन इंटरसेट लिया है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने रेंडम एलिमेंट देख लिया एक्स, तो यहाँ पे जो रेंडम निकलेगा क्या होगा हमको पता ही, यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है एफ ऑफ एक्स हो जाता है। अभी बी और सी के लिए डोमेन हो गया और फंक्शन क्या है जी, तो जी में अब जब मैं फंक्शन ऑफ एक्स पुट करूंगा तो वो क्या देगा मुझे जी ऑफ समथिंग, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे था एक्स, यहाँ पे हुआ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हुआ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डायरेक्टली जब मैं गॉफ को डिफाइन करूंगा ए टू सी के लिए, तो डायरेक्टली यहाँ पे उसका डोमेन रहेगा एक्स, उसका रेंज हो जाएगा क्या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो जी ओ एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, वैसे ही अगर उसका उल्टा करेंगे फॉग को लिखेंगे फॉग एक्स इक्वल कितना होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो उल्टा करके लिखेंगे। ठीक, देयर इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी थोड़ा नोट्स में आते हैं, वहाँ पे क्या बोला कि सपोज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, तो रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी हो जाएगा, और अगर फॉग लेंगे तो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है, तो फॉग के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे पहला वाला फंक्शन, वहाँ पे एफ और जी लिए थे, यहाँ पे जी और एफ ले लेंगे, पहला वाला जी सेकंड वाला एफ। तो यहाँ पे अगर रेंडम एलिमेंट है एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स, फिर ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो फॉग ऑफ एक्स इज डिफाइंड है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, कभी भी फॉग एक्स और कॉफ एक्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा होना है, ये नोट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको रिलेटेड करके बहुत सिंपल वाला एग्जांपल भी हम करेंगे। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर वेयर जी ऑफ एक्स इज गिवन बाय टू एक्स प्लस वन। मैंने बोला ना यहाँ पे दो टो फंक्शन होगा, तो यहाँ पे हमने दो टो फंक्शन लिया, फंक्शन ऑफ एक्स और जी, फंक्शन ऑफ एक्स एफ में और जी में। ठीक है, तो फाइंड गॉफ एंड फॉग, एफ ओ जी ओ एफ और एफ ओ जी हमको निकालना है। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स, ऑब्वियसली एक्स को डोमेन लेके करेंगे, तो एफ जी ओ एफ, तो हमको क्या पता है जी ओ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फॉग मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, अभी ध्यान से देखो कैसे करना है हमको, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना था एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने कितना पुट किया एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर। अभी जी ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा मुझे बताओ जी ऑफ एक्स जब था उसका वैल्यू कितना था 2x प्लस 1, यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या हो गया x हो गया, यहाँ पे अगर 1 होता तो यहाँ पे क्या होता 1, यहाँ पे अगर 2 होता यहाँ पे 2 कितना होता 2, तो यहाँ पे कितना है x square, तो ये वाला फंक्शन कितना हो जाएगा x square, तो 2x को रिप्लेस कर देंगे x square में 2x square प्लस 1, वेरी सिंपल। गॉफ ऑफ एक्स से बोल रहा हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आराम से पुट कर लेंगे। अभी जी ऑफ एक्स को चेक करेंगे थोड़ा, कितना था 2x प्लस 1, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को मैंने रिप्लेस किया एक्स में, एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ ये वाला एक्स भी रिप्लेस हो गया एक्स स्क्वायर में, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। ठीक है,
अभी फॉग खुद करेंगे एफ ओ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अच्छा जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था 2x+1, तो एफ ऑफ 2x+1, ठीक है, तो x को भी रिप्लेस किया इसमें 2x+1 में, तो ये वाला x को भी रिप्लेस करेंगे 2x, x का स्क्वायर था यहाँ पर 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, गॉफ ऑफ का भी सेम हो 2x2+1 और 2x+1 का होल स्क्वायर सेम होगा, नहीं होगा, दैट्स व्हाई गॉफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ x, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा, ये वाला यहाँ पे जितना भी सब एग्जांपल रहते हैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल है फॉग और गॉफ का, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। F is defined by 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, A set से B set को 3, 4, 5, 9, और G is defined by B to C, 3, 4, 5, 9 and 7, 11, 15, ठीक है, तो ये हो गया डोमेन रेंज, ये डोमेन रेंज। B the function defined by, वो function भी defined कर दिया है कौन किससे साथ related है, कि F of 2 equal to 3, मतलब 2 is connected with 3, 3 is connected with 4, 4 is connected with 5, 5 is also connected with 5, और G में कैसे defined है, 3 is connected, g of 3, g of 4 equal to, मतलब 3 भी 7 के साथ, 4 भी 7 के साथ, g of 5 and g of 9, 5 भी 11 के साथ, 9 भी 11 के साथ, find gof पूछा है, find gof, ठीक है, g composition function f, ठीक है, अच्छा, तो domain क्या था मेरा, x ही था, तो gof, तो जब निकालेंगे gof of x equal to g of f of x, अच्छा, g of f of x, तो पहले हम, ये वाला सब x है ना, 2, 3, 4, 5, पहला वाला एलिमेंट जो एक, एक का सब ही x रहता है ना, यहाँ पर हमने समझाया था, एक का हमेशा x रहता है, इसको डोमेन लेके करेंगे, तो कौन कौन लेंगे, 2, 3, 4, 5, तो पहले 2 के लिए मैंने लिया, तो x के जगह कितना पड़ गया, 2, तो g of f of 2, x के जगह पहला वाला हम निकाल लेंगे, f of 2 का वैल्यू कितना है, 3, तो g of कितना लिख लेंगे, 3, f of 2 के जगह में चेक करेंगे कहाँ पर, f of 2 equal to 3, तो f of 2 के जगह 3 लिखे, अभी g of 3, g of 3 कहाँ पर है, यहाँ पर गिवन है 7, इसका वैल्यू कितना हो गया 7, वेरी सिंपल, अभी gof of 3 खुद करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, g of f of 3, f of 3 का वैल्यू 4, तो f of 3 के जगह में लिखेंगे 4, तो g of 4, फिर से g of 4 का वैल्यू कितना है 7, ओके, gof of 4, g of f of 4, f of 4 कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 5, तो f of 4 के जगह में कितना लिखा 5, अभी g of 5 कहाँ पर है, ये वाला कितना है 11, हो गया, अभी देखो कहाँ सर ये वाला वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं हम, यहाँ से ले रहे हैं डोमेन से 2, 3, 4, 5, पहले 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए, अभी लास्ट में 5, gof of 5, तो g of f of 5, f of 5 का वैल्यू कितना है 5, तो g of 5, g of 5 का वैल्यू कितना है 11, हो गया, ठीक है, तो अभी अगर मैं पूछूँ डोमेन कितना होगा, तो 2, 3, 4, 5, ये वाला 2, 3, 4, 5, हो गया, एक का वैल्यू बन था, रेंज कितना हो गया 7, 11, 7, 11, 15, सॉरी, 7 एंड 11, ठीक है, 15 नहीं, सी को नहीं लेंगे, ए सी नहीं लेंगे, हमने वाला सी लिख लिया था, तो डोमेन हो गया गॉफ का, अगर डोमेन पूछा जाएगा तो मतलब कितना मिलेगा 2, 3, 4, 5, रेंज कितना मिलेगा 7 एंड 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 से वो कनेक्टेड ही नहीं है कोई, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है, सो दैट इज द आंसर। अच्छा यहाँ पे बोला है कि दो फंक्शन गिवन है एफ एंड जी, और एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, और शो करने बोला है शो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। अच्छा तो मैंने लिख लिया f g डिफाइन कर लिया, तो पहले fog of x निकालते हैं, फिर gof of x निकालते हैं, क्योंकि x को हमने डोमेन लिया है, तो fog of x दैट इज f of g of x, f कंपोजिशन फंक्शन g of x, मतलब f of g of x का वैल्यू कितना है 3x2, f of 3x2, अच्छा f of x होता है तो क्या होता है cos x होता है, अगर मैं f of 3x2 लिया तो x के जगह मैं कितना रिप्लेस करूंगा 3x2, तो इट विल बिकम cos of 3x2, ओके, वैसे gof निकालेंगे, जी कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है कॉस एक्स, तो जी ऑफ कॉस एक्स, अच्छा जी ऑफ एक्स कितना था 3x2, एस एक्स को मैंने किस में रिप्लेस किया कॉस एक्स में, तो यहाँ पे एक्स के जगह में कितना रिप्लेस करेंगे कॉस, तो 3 ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स, सो इट विल बिकम 3 कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे गॉफ निकला था मैंने कितना कॉस 3x2, यहाँ पे निकला 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये कभी भी कॉलम है, तो गॉफ of x is not equal to power of x, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन आ गया हमारा क्या, सो दैट इफ f एंड g आर टू आर वन वन, अच्छा यहाँ पे क्या बोल दिया f और g जो फंक्शन है, f डिफाइन है a से b तक और g डिफाइन है b से c तक, वो पहले से बोल दिया कि वन वन है, वो वन वन ऑन टू का कॉन्सेप्ट 1.2 का, ठीक है, देन gof ऑफ a टू c इज ऑल्सो वन वन, मतलब मुझे g कंपोजिशन फंक्शन f का भी जो a टू c हो बनेगा उसको भी मुझे क्या दिखाना है वन वन दिखाना है, अच्छा वन वन का कॉन्सेप्ट यूज करें कौन सा वाला कुछ याद आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, देन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू,
ऐसा करने से हम क्या दिखा रहे थे उसको, वन वन दिखा रहे थे ना, वन वन का फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने लिया गॉफ को दिखाने, तो गॉफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स टू हमने लिया। तो मुझे तो गॉफ ऑफ एक्स वन और गॉफ, यहाँ पे पूरा फंक्शन गॉफ है, यहाँ पे भी पूरा फंक्शन गॉफ है। अगर मैंने दिखा दिया कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो मैं बोलता हूँ वो वन वन है। तो मुझे अभी दिखाना क्या, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू दिखाना है, बहुत सिंपल है। अच्छा गॉफ ऑफ एक्स वन को कैसे लिखेंगे, जी कॉम्पेंसेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वन, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन, यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू। क्लियर, अच्छा इतना तो क्लियर है। अच्छा अभी देखो, जी ऑफ समथिंग इक्वल टू जी ऑफ समथिंग। अच्छा सिंस हियर जी इज वन वन, और यहाँ पे एफ और जी ऑलरेडी वन वन दे दिया है, तो सिंस जी इज वन वन, तो हम लिख पाएंगे कि जी जी ऑफ समथिंग इक्वल टू जी ऑफ समथिंग है, मतलब दैट समथिंग इक्वल टू समथिंग। जैसे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, देन हम वन वन के लिए क्या लिखते हैं, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो जी ऑफ दिस इक्वल टू जी ऑफ दिस, मतलब हम लिख पाएंगे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, क्यों, सिंस जी इज वन वन। थोड़ा तक समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट वन वन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जी ऑलरेडी हमको वन वन गिवन है। ठीक है, अभी यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है, तो वी हैव एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अच्छा सिंस एफ इज ऑल्सो वन 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 गिवन इन द क्वेश्चन, तो अगर एफ इज वन वन हुआ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, मतलब एक्स वन इक्वल एक्स टू, ये सुनो हो गया एक्स वन इक्वल एक्स टू। हमको हमने लिया था क्या गॉफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स टू, हमने दिखाया क्या एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो कहाँ से एज एफ इज वन वन, तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसका है, वन वन का कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ पे कि हम दिखा रहे थे कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, देन टू एफ टू सो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, अगर हो गया तो वन वन, तो हमने लिया था गॉफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स टू, हमने लास्ट में दिखा दिया क्या एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, देयरफॉर गॉफ इज वन वन, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। लास्ट वाला तो मैं करूँगा, खुद देखो क्वेश्चन और बिना देखे करो उसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू जी ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, फाइंड गॉफ। तो हमको गॉफ निकालना है, तो गॉफ मतलब जी कॉम्पोजिशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये खुद करेंगे। ठीक है, जी ओ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स क्यूब, तो जी ऑफ एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स था, एक्स के जगह मैंने कितना रिप्लेस किया एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स के जगह में कितना लिख लेंगे एक्स क्यूब, तो वन बाई एक्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर फॉग भी पूछा करता तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करते हैं। ठीक है, ये था गॉफ एंड फॉग का कॉन्सेप्ट, और बाकी जो है हम एक्सरसाइज जब जाएंगे फिर से रिवाइज कर लेंगे वो बोलो सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी कॉन्टेंट का लास्ट जो पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, और दैट पार्ट इज सेड टू बी इन्वर्टेबल फंक्शन, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन का कब हम कैसे और कब हम इनवर्स निकालेंगे और उसका टेक्निक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा वाला क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड्स में आता है, टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन। तो एक्चुअली पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट में आता है कि एक्चुअली इनवर्स इसको बोलते हैं और क्या एक्चुअली उसका इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन में थोड़ा जाएंगे पहले, डेसिमल में जाने के बाद मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, डेफिनेशन तो हमको जानना जरूरी है कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन है जो कि एक्स टू वाई को डिफाइन किया गया है, बी इन्वर्टेबल, बी इन्वर्टेबल मतलब वो इनवर्स हो सकता है इफ देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन जी दैट इज वाई टू एक्स। ऑब्वियसली एफ अगर एक्स टू वाई हुआ तो इनवर्स मतलब क्या, उसको उल्टा। तो एक फंक्शन ऐसा रहना चाहिए जी जो कि वाई टू एक्स को बिलोंग्स कर रहा है, जहाँ पे कि ये दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड फॉग ऑफ वाई इक्वल टू वाई। इसको याद कैसे रखेंगे, गॉफ ऑफ एक्स डोमेन तब एक्स लेंगे, फॉग ऑफ वाई मतलब जी से जब जा रहे हैं तो उसका डोमेन क्या लेंगे वाई, और उसको दिखाना क्या है वाई। चलिए इसको आई ऑफ एक्स बोलते हैं, इसको आई ऑफ वाई, आइडेंटिटी फंक्शन जो हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी सेम का सेम वैल्यू देगा। वैसे आई ऑफ एक्स मतलब वही एक्स ही होता है, आई ऑफ वाई मतलब वही वाई होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो गॉफ जब हम डोमेन लेंगे एक्स उसका रेंज भी मुझे एक्स देगा, और फॉग मतलब जी से जब लेंगे वाई जिसका डोमेन लेंगे उसका वैल्यू भी हमको क्या देगा वाई देगा। Therefore, the function g, जो g हमारा निकलेगा जो y to x को define होगा, that is said to be inverse of f। मैंने बोला ना कि ऐसा एक function होना चाहिए g जो कि उसको उल्टा को show कर रहा होगा, मतलब y to x को show कर रहा होगा, and that is said to be inverse of f। Function f का inverse होगा and defined by f of inverse, f inverse equal to g। That is the concept। F inverse equal to g, बहुत simple सा concept है। और एक बहुत important सा चीज क्या है कि a function is invertible, a function is invertible if it is bijective function। एक फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, जबकि वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, तो एक फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा जो कि पहले वो बाइजेक्टिव, उसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। तो ये समझना बहुत जरूरी है क्यों इसको ऐसा बोला गया कि बाइजेक्टिव होने से उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग फंक्शन लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे लिया, वहाँ पे 1 2 3 4 5 से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 से।
डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे 142635, यहाँ पे 142435, ठीक है, थोड़ा 1112 में आता है। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1112, 1.2 का कॉन्सेप्ट बहुत आराम से हम लोग समझाए थे, बहुत सिंपल से आप लोग समझ भी गए होंगे 1112 होने से बाइजेक्टिव कैसे हो रहा था, हमने इतना सारा क्वेश्चन भी किया है। ये बोलो 1-1 होगा कि नहीं, यस होगा क्योंकि सबका एक एक प्री मेजर्स है। 1-1 ऑन टू के लिए सब कोई कनेक्टेड रहना चाहिए, सब कोई कनेक्टेड है, ऑन टू हो गया, 1112 हो गया, तो क्या हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अभी ये वाला को देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 इज कनेक्टेड विद 4, 2 इज कनेक्टेड विद 4, 3 इज कनेक्टेड विद 5, लेकिन यहाँ पे 6 इज नॉट कनेक्टेड। यहाँ पे 6 पहले इन 1-1 देखेंगे तो 4 का दो प्री इमेजेस हो रहा है, 4 का 1, 4 का 2, तो यहाँ पे दो 4 का 4 इज कनेक्टेड विद 1 एज वेल एज 2, तो 4 का प्री इमेज कितना हो रहा है, दो हो रहा है, तो 1-1 तो नहीं होगा कभी भी। ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, यहाँ पे सब कोई कनेक्टेड रहना चाहिए बी में, लेकिन 6 इज नॉट कनेक्टेड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू, एंड सिंस इट इज नॉट 1-1 एंड ऑन टू, इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पे हमने एक बाइजेक्टिव फंक्शन लिया है और यहाँ पे और एक में वो बाइजेक्टिव नहीं है। मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे इनवर्स निकाल सकते हैं, कहाँ पे इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना तुम लोगों की इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये बाइजेक्टिव था। इनवर्स मतलब उसका उल्टा करेंगे, तो इसका डोमेन ले लेंगे अभी बी, इसका रेंज ले लेंगे क्या ए, डोमेन ले लेंगे बी, रेंज ले लेंगे ए। तो अभी ये 4 5 6 आ गया यहाँ पे, 1 2 3 आ गया यहाँ पे, तो जब हम कनेक्टेड करेंगे, 4 इज कनेक्टेड विथ 1, 5 इज कनेक्टेड विथ 3 एंड 6 इज कनेक्टेड विथ 2, तो यहाँ पे हम उसका इनवर्स ऑटोमेटिकली निकाल पाए उल्टा करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे जब ये चेक करेंगे, 4 5 6 को इधर ले आओ डोमेन में, 1 2 3 को रेंज में ले आओ। अभी देखो 4 किसके साथ कनेक्टेड था, 1 के साथ भी 2 के, तभी जब मैं कनेक्टेड करूँगा 4 1 4 2 और 5 3, और इज इट ए फंक्शन, फंक्शन का सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 6 इज नॉट कनेक्टेड, पहला बात फंक्शन नहीं हुआ, और यहाँ पे वन में नहीं हो गया कि 4 का 1 भी हो गया, 4 का 2 भी हो गया, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा फंक्शन का कंडीशन, और फंक्शन अगर नहीं हो पा रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज नॉट इन्वर्टेबल। दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट इज व्हेन ए फंक्शन इज सेट टू बी इन्वर्टेबल इफ इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाइजेक्टिव होगा तभी जाके हम उसको क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स निकाल पाएंगे। तो अभी आगे हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में, ये हमने समझा कि इन्वर्टेबल क्या होता है, अभी हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं उसके इनवर्स, टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, दैट इज द स्टेप्स, ठीक है। चार स्टेप है, बहुत सिंपल से स्टेप है, सब क्वेश्चन में सेम स्टेप करेंगे और निकालेंगे हम क्या उसका इनवर्स निकालेंगे, तो बहुत आराम से देखेंगे, एक बार नहीं दो बार देखेंगे, लेकिन एक बार समझ गए मतलब इसके लिए और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, इसको रिलेटेड करके हमारे एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। टू फाइंड आउट द इनवर्स, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, गिवन होगा फंक्शन जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के, ये तो हमेशा रहता है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सम वाई के फॉर्म में रहेगा, उसको क्या करना है, राइट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, पहला स्टेप हमारा क्या है, ये गिवन था, ठीक है। स्टेप हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है कि राइट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो हम ऑन टू में करते थे एक्स के फॉर्म, एक हम एग्जाम्पल करने के बाद समझ में आएगा, राइट इन द राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप क्या है, जो एक्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे क्या, मैं जी ऑफ वाई में रिप्लेस कर देंगे, जो भी एक्स होता है ऑब्वियसली एक्स हमेशा क्या होता है, अगर मैं उसका इनवर्स ले लूँ तो एक्स विल बी द रेंज हो जाएगा, तो जी ऑफ वाई में डिफाइन कर देंगे उसको, एक्स को जी ऑफ वाई में डिफाइन करेंगे। स्टेप थ्री क्या है, यहाँ पे मेन स्टेप हमको दिखाना है कि एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल वाई, जो मैंने बोला था ना आई आई वाई आई एक्स, इसको हमको दिखाना है क्योंकि ये इन्वर्टेबल का कंडीशन है कि फॉग ऑफ वाई इक्वल वाई जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हमको दिखाना है, दिखा देने से क्या हो जाएगा ना, फॉग और गॉफ, फॉग ऑफ वाई इक्वल वाई हो जाएगा, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स होगा, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मतलब बाइजेक्टिव हो रहा था, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन का कंडीशन भी हो गया कि फॉग ऑफ वाई इक्वल वाई हो जाएगा, गॉफ अगर इसको हमको शो करना पड़ेगा, दोनों को शो करना पड़ेगा, और शो करने के बाद अगर शो हमने कर लिया ऑब्वियसली तो ये इन्वर्टेबल हो गया, और इन्वर्टेबल हो गया तो डायरेक्टली जो जी ऑफ वाई हमारा निकला था, जी ऑफ वाई निकला होगा सेकंड स्टेप में, दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी जो निकला होगा दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ, मैंने बोला ना जी एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि उल्टा कर देगा वाई टू एक्स को, एंड जी इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई जी इक्वल टू एफ इनवर्स, और जो भी जी निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, इसमें से समझ जाएंगे कि क्या एक्चुअली इनवर्स कैसे निकालते हैं हम। लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट एन टू आई, एन टू आई नेचुरल नंबर टू आई में डिफाइन किया गया है, एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाई 4x + 3, एक फंक्शन को डिफाइन किया गया क्या 4x + 3 में डिफाइन किया गया, तो सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड द इनवर्स,
तो हमको क्या दिखाना है, पहले तो दिखाना है कि इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल मतलब स्टेप थ्री तक जाना है, एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई दिखाना है, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिखाना है, इन्वर्टेबल हो गया, ऑब्वियसली इन्वर्टेबल हो गया तो लास्ट स्टेप में डायरेक्टली वो जो जी ऑफ वाई का वैल्यू निकला होगा उसको इनवर्स बता देंगे, फाइंड द इनवर्स बोला है, ठीक है, स्टेप वाइज आएंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार देखना, वही चार स्टेप को यूज करके हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, बस समझना एक बार। पहला क्या था, गिवन फंक्शन को जैसे लिखते हैं, जैसे गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के फॉर्म में उसको लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन है 4x plus 3, तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है y, तो y इक्वल टू 4x plus 3, तो पहला स्टेप हमारा क्या था, राइट इन टर्म्स ऑफ x, तो x जहां जहां भी होगा उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 4x इक्वल टू क्या हो गया y minus 3, then x will be y minus 3 by 4, हो गया, पहला स्टेप कंप्लीटेड, बहुत सिंपल सा स्टेप है, राइट द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ x, हमने लिख दिया, स्टेप वन कंप्लीटेड। स्टेप टू में क्या था, वो जो x था उसको किस में रिप्लेस करेंगे, g ऑफ y में, क्योंकि वो हमारा अभी रेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, तो x इज डिफाइंड बाय g ऑफ y, तो जस्ट हमने रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 3 बाय 4, हो गया, अभी स्टेप टू आल्सो कंप्लीटेड। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, fog ऑफ y, g कंपोजिशन फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x, f कंपोजिशन फंक्शन g ऑफ y इक्वल टू y, ठीक है, याद करते रहेंगे, यहाँ पे g है, अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो g में y होगा, f में x होगा, ठीक है। मैं पहले एफ ओ जी लिख लो, एफ कंपोजिशन फंक्शन जी ऑफ वाई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ये सुनो, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, अच्छा जी ऑफ वाई कहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे जी ऑफ वाई की जगह मैंने कितना पुट किया, वाई माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है, वाई माइनस थ्री बाई फोर। अच्छा, अभी एफ ऑफ समथिंग में, एफ ऑफ एक्स कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना 4x plus 3, तो x जहाँ पे है यहाँ पे 4x है, एफ ऑफ एक्स का क्या था 4x plus 3, तो अभी x यहाँ पे x है, हमने एफ एक्स का और रिप्लेस कितना में किया, पूरा एफ ऑफ x को हमने रिप्लेस किया y माइनस थ्री बाई फोर में रिप्लेस किया, तो x के जगह में हम कितना पुट करेंगे, y माइनस थ्री बाई फोर, तो x के जगह में लिखेंगे y माइनस थ्री बाई फोर, तो फोर इंटू वाई माइनस थ्री बाई फोर प्लस थ्री, ठीक है, फोर फोर यहाँ पे कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा कितना, y माइनस थ्री प्लस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना मिला मुझे y, तो एफ ओ जी ऑफ y हमने क्या निकाल दिया, y, वही तो हमको दिखाना था, एफ ओ जी ऑफ y इक्वल वाई, सेकेंड स्टेप मतलब वही स्टेप थ्री में ही, और एक हमको दिखाना है क्या, जी ओ एफ ऑफ x, g कंपोजिशन फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू हमको निकालना है, x निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था 4x plus 3, तो जी ऑफ 4x plus 3, अभी जी ऑफ समथिंग मतलब जी ऑफ y का वैल्यू कितना था, ये ना y माइनस 3 बाई 4, यहाँ पे y है यहाँ पे y है, तो टोटल y को हमने रिप्लेस किया किसमें, टोटल y को हमने रिप्लेस किया 4x plus 3 में, तो जहां जहां पे y है वहां पे 4x plus 3 पुट करेंगे, तो वो था एक्चुअली कितना y माइनस थ्री बाई फोर, तो y के जगह में पेन रूट अब पूरा कितना पुट करूंगा 4x plus 3 ब्रैकेट माइनस थ्री बाई फोर, तो ये प्लस थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर में बचा कितना 4x, नीचे में बचा कितना 4, 4x बाई फोर कितना हो गया x, 4 4 कैंसिल, दिखा दिया ना g ऑफ x इक्वल टू x, तो इक्वेशन वन में हमने क्या लिखा है, एफ ओ जी ऑफ y इक्वल टू y, यहाँ पे कितना लिखा है g ओ एफ ऑफ x इक्वल टू x, यही तो हमको शो करना था, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू व्हाट वी गेट दैट f इज इन्वर्टेबल, हमने जो दो कंडीशन दिखाया दैट्स व्हाई f इज इन्वर्टेबल, ये तो मेरा पहला प्रूफ कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमको करना था सो दैट f इज इन्वर्टेबल, अगर समझ में नहीं आया और एक बार देखो वीडियो को, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी स्टेप फोर में जाते हैं, स्टेप फोर में क्या था, जो भी हमारा g of y होगा that will be the inverse, तो we have g of y हमारे कितना था y minus 3 by 4, therefore g is the, हमने invertible prove किया तो directly लिखेंगे एक ही step कि g is the inverse of f, then f inverse equal to कितना हो गया g, तो f inverse of y equal to मतलब वही उसका replace करते हैं value that is y minus 3 by 4, तो ये y के form में है इसलिए y minus 3 by 4 होगा, कहाँ कहाँ पे answer में x के form में देता है, तो वहाँ पे बस x को replace करते हैं, मतलब y जहाँ पे लिखा है x कर देंगे, f of inverse x equal to x minus 3 by 4, ठीक है, इतना तक लिखने से भी चलेगा, that is the technique of inverse, ठीक है, पहले में क्या करना है, और एक बार देखो वीडियो को, आराम से देखो एक बार, एक वीडियो को देखने के लिए टाइम लो, फिर आराम से हो जाएगा।
तो पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, फिर एक्स के टर्म्स लिखेंगे स्टेप वन में, स्टेप टू में क्या करेंगे एक्स को रिप्लेस कर देंगे जी ऑफ वाई में, स्टेप थ्री में एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई दिखाएंगे, और एफ जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल कितना दिखाएंगे एक्स दिखाएंगे। अगर दोनों दिखा दिया फॉर वर्ग ऑफ तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों से मतलब एक्स और वाई वैल्यू निकल गया तो इट इज इन्वर्टिबल। ये था स्टेप थ्री। कहेंगे फिर इन्वर्टिबल पूछा बताओ, स्टेप थ्री करेंगे इन्वर्स निकलना होगा तो भी तो करेंगे ना ये वाला स्टेप, और स्टेप फोर में डायरेक्टली लिखेंगे कि जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इन्वर्स इक्वल टू जी एफ इन्वर्स ऑफ वाई, बस जी के जगह में वो वैल्यू पुट कर देंगे वाई माइनस थ्री बाई फोर, यहाँ पे हमारा इन्वर्स निकल गया। और एक्स के फॉर्म में पूछा बताओ y के जगह में x को रिप्लेस करते हैं। क्लियर क्लियर बोलो। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये एक्चुअली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक 8 या 9 कौन सा एक था एक्सरसाइज का, ठीक है ये मैं कर देता हूँ, जब एक्सरसाइज करेंगे इसको स्किप करेंगे ठीक है। तो फंक्शन इज गिवन x स्क्वायर प्लस 4 सो दैट f इनवर्स y, वो गिवन दे दिया है कि f इनवर्स y हमको निकालना है, मतलब ऑब्वियसली इनवर्स निकालना है हमको। तो स्टेप 1 गिवन f ऑफ x इक्वल टू दिस y इक्वल टू दिस, हमको इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, मैंने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ x में कि x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ y माइनस 4 ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है g ऑफ y में, तो g ऑफ y इक्वल कितना हो गया y माइनस 4 का रूट ओवर हो गया स्टेप 2 भी। देखो अभी एक बार कर ले तो आराम से धड़ 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 कर लोगे आराम से ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या था, f g ऑफ y इक्वल y दिखाना है, g ऑफ f ऑफ x इक्वल x दिखाना है, g y पास में रहेंगे ठीक है। f मैं एक दिखा रहा हूं, नेक्स्ट पहले खुद करना था। फॉग ऑफ वाई मतलब एफ कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी ऑफ वाई, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे वाई माइनस फोर का रूट ओवर ओके एफ दिस वन। तो अभी एफ ऑफ दिस मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स एक्स, तो एक्स को रिप्लेस किया किसमें वाई माइनस फोर का रूट ओवर, तो यहाँ पे कितना जाएगा वाई माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फोर, वाई माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फोर। अच्छा वाई माइनस फोर का रूट ओवर का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल कितना होगा वाई माइनस फोर, यहाँ पे कितना बचा है प्लस फोर, माइनस फोर प्लस फोर क्या कैंसिल आउट, तो कितना मिल गया वाई, तो एफ ओ जी ऑफ वाई कितना मिल गया वाई स्टेप वन, मतलब एक बिट हो गया। दूसरा बिट जी ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिखाना है एक्स दिखाना है, चेक करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना था एक्स स्क्वायर प्लस फोर, अभी बोलना नहीं पड़ेगा आराम से कर लोगे। जी ऑफ समथिंग मतलब जी ऑफ वाई हमारा था, जी ऑफ वाई कितना था मेरा वाई माइनस फोर का रूट ओवर, मतलब इसको y के जगह में पुट करेंगे, मतलब दिस माइनस फोर का रूट ओवर, मतलब x स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर का रूट ओवर। अच्छा प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना x स्क्वायर का रूट ओवर कितना हो गया x हो गया ना, एक में y दिखा दिया एक में x दिखा दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू व्हाट डू वी हैव, इट इज इनवर्टेबल, लेकिन हमको इनवर्टेबल दिखाना नहीं, हमको इनवर्ट निकालना था, तो डायरेक्टली लिखेंगे g इज द इनवर्स ऑफ f, देयरफॉर g इक्वल टू f इनवर्स, देन f इनवर्स y इक्वल टू, उसको रिप्लेस कर देंगे y माइनस 4 का रूट ओवर। वो इसको ही हमको प्रूव करने बोला है, अगर x में दिया होता तो x में करते, यहां पे y में दिया है तो y में लिखे ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन ठीक है। अभी नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज लास्ट वाला एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट कर लेंगे, लेसन फंक्शन और चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। ओके सो अगर समझ में नहीं आया इनवर्स वाला तो दो तीन बार देख लो एक बार, और एक बार समझ गए मतलब जो एक्सरसाइज में जितना भी बोलना है वो विद इन हाफ एन आवर में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सब वही सेम कॉन्सेप्ट में ही है।